हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट सीरीज आईएलटीएस टॉक्स विद करिश्मा। हाय, आई एम करिश्मा जोशी, द फाउंडर ऑफ नेविगेटर्स एजुकेशन। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर बाय आईडीपी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पीटी एंड टॉफिल 2। हैविंग 17 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग टू सिक्योर डिजायर स्कोर इन आईएलटीएस एंड पीटी टू मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स टिल डेट बाय बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। सो गाइस, देखते हैं कि आज का हमारा क्यू का टॉपिक कौन सा है। So today our cue card topic is describe a family member whom you would like to work with in the future. So the cue question is who the person is, वो कौन है, have you ever worked with this person before, क्या आपने पहले उनके साथ कभी काम किया है, अगर किया है तो what kind of work you would like to do with the person in the future, कैसा प्रकार का काम आप करना चाहोगे, and explain how you will feel if you can finally work together. सो वेल, हमारे कंट्री में ऐसा बहुत सारा होता है, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फैमिली साथ में काम करते हैं, जैसे कि वो फैमिली बिजनेसेस भी होता है, वो बिजनेस जो होता है वो क्लोथ्स का होता है, वो बिजनेस होता है, कई बार ग्रॉसरी का होता है, वो मिठाई का बिजनेस होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो फैमिली साथ में करती है। तो हमें ऐसे ही किसी बिजनेस के बारे में बात करनी है जो हम हमारे कोई फैमिली मेम्बर के साथ करना चाहते हैं। So well, I would like to say that it is very common in my country where family members work together specifically as a unit. And if I am given a chance, I would like to work with my elder brother or sister or my cousin or my uncle. किसी के भी साथ में आप बात कर सकते हो। अभी आपको बताना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे उनके साथ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप बता सकते हो कि मुझे जो बिजनेस करना है उनके साथ, वो है टेक्सटाइल का बिजनेस है, या तो फिर वो स्वीट्स का बिजनेस है, या तो वो स्टेशनरी का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तब उस तरीके से बात कर सकते हो। आपको जस्ट एक नेम ऑफ द बिजनेस बताना है और वो क्यों करना है वो आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि आपको क्या उनके साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस है काम करने का, तो बता सकते हो कि हाँ, मुझे उनके साथ पास्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग ने, जैसे कि हम दोनों सिब्लिंग्स हैं, या तो ब्रदर सिस्टर है, कज़न है, तो हम लोग ने हमारे जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे साथ में, तब हमारा एनुअल डे फंक्शन था स्कूल में, और मुझे याद है कि उस वक्त हमारे स्कूल में हमें सब स्टॉल्स करना था, तो उस वक्त हमने एक स्टॉल किया था जहाँ पे हम स्टेशनरी बेचते थे, या तो फिर जहाँ पे हम लोग ने फूड स्टॉल किया था। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। उस वक्त हमारी जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ही अच्छी थी, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत अच्छा था, और हमने बहुत ही अच्छे से वो 3 दिन तक हमने वो स्टॉल किया था हमारे स्कूल के, वो थोड़ा एनुअल डेज के फंक्शंस के वक्त। सो दिस इज़ व्हाट व्हाई आई वुड लाइक टू वर्क विद दिस पर्सन, एंड एज ही इज़ हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ बिकॉज ही और शी इज़ एल्डर देन मी, सो आई थिंक दैट द बिजनेस दैट वी विल बी डूइंग विल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज गुड अर्निंग्स। हम लोग अर्निंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जैसे कोई मेरे भाई है, बहन है, अंकल है, अपने जो भी बोला है शुरू में वो है, तो आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विथ हिम और हर, तो उनका और मेरा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वी नेवर हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर, एंड वी रियली ट्रस्ट ईच अदर फुल्ली, एंड आई वुड लाइक टू से दैट वंस वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आई थिंक दैट दिस वुड बी अ वेरी स्मूथ रनिंग बिजनेस, एंड ऑल्सो आई कैन इंश्योर दैट वी कैन डू अ वेरी वेल इन अवर वर्क। And lastly, I would like to say that we will together enjoy a lot, and when we are enjoying a lot to our work, I think we can have a very good output together. So I think that these are the reasons why I would like to work with my brother, sister, uncle, auntie, अपने जिसके भी बारे में बात की है आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। So guys, आपको भी अगर ऐसा कोई experience याद है, या तो फिर आप भी कुछ ऐसा जानते हो घर में है, या आसपास में कभी आपने सुना भी है, तो बस वही चीज़ को आपको लेके एक आंसर आपका अच्छा सा प्रिपेयर करना है यहाँ पर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्राई कीजिए कि ऐसे आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए कि जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डिलीवरी ऑफ आंसर है वो बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही ईजिली होगा, क्योंकि हम वो चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। सो गाइज, जस्ट रिमेंबर वन सच थिंग, या तो फिर मेरे ये जो आंसर है उसमें से ही आप टॉपिक पिक करके आप वही एक आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। एंड येस, टू हैव अ बेटर आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन, डोंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड योर आंसर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर स्पीकिंग। सो गाइज, सी यू टुमारो विथ वन मोर क्यू कार्ड। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पॉडकास्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर आईएलटीएस एग्जामिनेशन। एंड येस, अगर आपको कुछ फीडबैक भी है, या तो कोई और क्यू कार्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं, या टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको डाउट है, या तो क्वेरीज है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट दैट क्वेरीज एंड क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो गाइज,
See you tomorrow with one more QCard. Till then, bye-bye and take care.